Hello children, how are you? Hope you all are fit and fine. Children, today we will write two names for given GK topic. आज आप लोग GK के जितने भी topics आपने किए हैं उनके लिए आपको two names लिखने हैं. Like you have learned fruits name, vegetable name, means of transport, body parts, sense organ. तो आप हर जो भी topic लिखा हुआ है उसके लिए आपको two names लिखने होंगे, okay? First of all, you write date in date box, then write heading, give two names, and in this fourth column, you write CW, classwork. आपको exam में इसको लिखने से पहले heading को read करना आना चाहिए. अगर आपको heading read करना नहीं आएगा, तो आप कभी भी नहीं लिख पाएंगे. और आपको अब तो मैम फोनिक्स के सारे रूल सिखा चुकी हैं, तो आप सबसे पहले heading read कीजिए कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद आप आंसर लिखेंगे. ओके, आप इसे नोटबुक में करेंगे लेकिन मैम इसे वर्कशीट में करके दिखाएंगी. सो फर्स्ट रीड द हेडिंग. एफ आर फ्र, यू आई ऊ, टी सेज ट, एस सेज स, फ्र ऊ ट स, फ्रूट्स. सो यू विल राइट नेम ऑफ टू फ्रूट्स. ओके, फर्स्ट फ्रूट इज एप्पल. A double P, A. Okay, consonant single होता है तब भी वही साउंड होती है, डबल हो जाए तब भी वही साउंड होती है. Now, L, E, L. Last E will remain silent. Last का E silent रहेगा. Apple, apple. Now, second fruit, mango. M says, M. A N N go, g o go, m a n g o mango. Now read second heading. V a veg, veg a veg t veget a veget a b vegetable, vegetables, vegetables. अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो ऐसे आप ब्रेक करके पढ़ेंगे, अदरवाइज आप डायरेक्ट साउंड बोलते जाएंगे एंड रीड करेंगे. वेजिटेबल्स, यू नो व्हाट आर वेजिटेबल्स, जो आपको कुक करके खानी होती हैं. फ्रूट्स तो आप डायरेक्ट फ्रिज से निकालिए और खा लीजिए, एंड वेजिटेबल्स को आपको कुक करके खाना होता है. सो नेम ऑफ टू वेजिटेबल्स, पी प, पी सेस प, ई. नाउ यू नो इन पी, ई ए सेस ई. पी की स्पेलिंग में ई ए अपनी लॉन्ग साउंड बोलता है ई. नाउ अनियन, ओ एन आई अने, ओ एन अन, अनियन. ओके, अनियन. कभी कभी इंग्लिश में साउंड चेंज हो जाती है, जब हमारी साउंड हमें दिखाई देती है उससे थोड़ा सा ट्रिक से हमें चेंज करना होता है, प्रोनंसिएशन डिफरेंट होता है, तो घबराना नहीं है. ओके, नाउ थर्ड, ई मी, मी मीन्स, मीन्स. Off, tr, an, tran, s, trans, p, trans, p, or, transport, t, transport, means of transport, जिसमें बैठ के आप वन प्लेस से अनदर प्लेस जाते हैं उन्हीं को हम कहते हैं means of transport. तो आपको टू means of transport लिखने हैं. बस, b. B says b, a. U says a, s. S says s, b, a, s, bus. Now car, k. C says k, r. आपको पता है ना मैजिक बॉसी आर में आपने सीखा था. A r says r, k r, car. Okay. Now new topic, b.
O, bo, d, bod, e, body. Y in last says e. जब y के पीछे और साउंड्स होती हैं तो वो e बोलता है, और y के पीछे साउंड्स छोटा वर्ड होता है तो वो i बोलता है. Body. P, r, par, t, part, s, parts. Body parts. Two body parts. Okay. Now first body part is l. L says l. E says eh, g. G says g. L, eh, g, leg. Now, second body part is nose. And says o's. O, s, e, o's. अगर आप ये मैजिक की साइलेंट रहेगा, लेकिन अपने पहले वाले वॉवल की साउंड लॉन्ग कर देगा, o's. अगर आप मैजिक की हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? नोज. नोज नहीं है ये, नोज है. सेंस. और ग. और ग. सेंस ऑर्गन्स. आपको पता है बॉडी पार्ट्स तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन सेंस ऑर्गन्स हमारे पास केवल 5 हैं. क्या क्या? नोज, आईज, ईयर, टंग, स्किन. वी हैव ओनली 5 सेंस ऑर्गन्स. बॉडी पार्ट्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं, तो राइट एनी 2 सेंस ऑर्गन्स. ओके, फर्स्ट इज ईयर. ई. आपको पता है ना लॉन्ग साउंड आएगी इसमें से ई. आर सेज ईयर. नाउ सेकेंड सेंस ऑर्गन इज स्क. एस के स्क. ई. आई सेज ई. एन सेज स्क. ई. स्किन. नाउ क. अ. कल. और कलर्स. कलर्स राइट, नेम ऑफ 2 कलर्स. अगर आप हेडिंग ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो आप आंसर भी कभी ठीक नहीं लिख पाएंगे. राइट नेम ऑफ 2 कलर्स. सो माई फेवरेट कलर इज आर सेज ए. ई सेज ए. डी सेज ड. ए ड. रेड एंड ब्लैक मुझे बहुत पसंद है. ब्ल. बी एल. ब्ल. ए. ई सेज ए. क. सी के. क. आपको याद रखना है जब भी लास्ट में क साउंड आएगी तो आप सी के लिखेंगे हमेशा. ओके. ब्ल. ए. क. ब्लैक. नाउ यू डू दिस वर्क नीटली इन योर नोटबुक. आपको बहुत अच्छे से इस काम को अपनी नोटबुक में लिखना है. ओके. और आपको 1 लाइन लीव करके लिखना है ताकि आपकी नोटबुक बहुत नीट लगे. एंड यहाँ पर भी आपको एक एक कॉलम छोड़ना है ताकि आपकी नोटबुक बहुत नीट लगे. बाय बाय.